दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हो तो लेकर आ चुका है मनोविज्ञान का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। यह पेपर आपका 50 नंबर का रहने वाला है, विषय कोड 324 रहने वाला है, समय मिलने वाला है 1 घंटा। आर्ट्स वालों के लिए मनोविज्ञान का पेपर होने वाला है, यानी कि साइकोलॉजी का कक्षा 11 मासिक अक्टूबर 2024 का। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। 30 में 30 क्वेश्चन कराएंगे, तो अंतिम तक ना बिल्कुल ना बने रहेगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सेकंड चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, आपका एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक का सिद्धांत नहीं है? स्पीयरमैन का सिद्धांत, थॉर्सन का सिद्धांत, थर्नाइड का सिद्धांत, पीजियाजे का सिद्धांत। तो राइट आंसर का थर्नाडाई का सिद्धांत, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हैं। निम्न में से कौन सा सर्जनात्मक चिंतन का अवस्था नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सत्यापन, उद्भवन, धारण, तैयारी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्भवन, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दिया है मनोविज्ञान के सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने किया है? तो कैटेले ने किया है। तीसरा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, टाइप सी व्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया है? तो आलपोर्ट ने, फ्रीडमैन ने, फायर ने, मोरिस ने। तो किसने किया है? तो फ्रीडमैन ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, MMPI आविष्कारिका किसके विकसित किया है? तो हार्डवेयर और माकिले ने, ऑलपोर्ट ने, आइजेक्स ने, कैटेले ने। तो किसने? तो हाथवे तथा मैकेले ने, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका यहाँ पर, क्रेसमर ने व्यक्तित्व को डॉट डॉट में भाग में बांटा है, 3, 4, 5, 2। तो कितने भाग में? तो देखिए 3 भाग में बांटा है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है? विषादी विकार, उन्माद, उन्मादी, विस्कार विकार, इनमें से कोई उन्माद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नांकित में कौन मनोविदलता का एक प्रकार नहीं है? तो व्योमाद भाव, ठीक है, विघटित, विद्रोह, मिश्रित। तो क्या हो जाएगा? ना मिश्रित मनोविदलता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 का ना डी नंबर ना आंसर ना हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शब्द स्टेट्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी से, जर्मनी से, लैटिन से या ग्रीक से? तो किससे हुई है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण का चरण नहीं है? तो प्रतिरोध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी के योग अष्टांग मार्ग को दर्शाता है? गौतम बुद्ध, पतंजलि, सुरकात, इनमें से कोई नहीं। तो किसका? तो पतंजलि हो जाएगा, ठीक है। पतंजलि, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा द्वितीय समूह नहीं है? परिवार, राजनीतिक, औद्योगिक संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना राजनीतिक दल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 13 नंबर अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परामर्श की प्रविधि नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है? तो देखिए राइट आंसर होगा निर्देशक परामर्श हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, समय प्रबंधन किस प्रकार का कौशल है? तो सामूहिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, रूढ़ियुक्त है तो क्या है? तो सकारात्मक और सुखद मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया नहीं है? तो आज्ञा पालन हो जाएगा, ठीक है। आज्ञा पालन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए आपका 30 में 30 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो में ना अंतिम तक ना बने रहिएगा, ठीक है। और अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
आगे क्वेश्चन देखिए दिया है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषता टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में पाई जाती है? आक्रामकता, ठीक है, प्रतियोगी भावना, बेसब्री, इनमें से सभी। देखिए आक्रामकता भी पाई जाती है, प्रतियोगी भावना भी, बेसब्री भी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 का ना डी नंबर ना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, मानवतावादी सिद्धांत का निर्माण किसने किया? तो मास्लो ने, आलपोर्ट ने, यूंग ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? आलपोर्ट ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, संवेदनात्मक बुद्धि तत्वों में निम्नलिखित में कौन नहीं रखा जा सकता? तो स्वयं की प्रेरित करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? तो चिंता विकृति, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? बी नंबर ना इसका ना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, मानसिक विकृति जिसमें व्यक्ति व्योमोह से पीड़ित होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्थिर व्योमोह अवस्था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, इनमें से सभी। देखिए प्राकृतिक आपदा का क्या है? तो इनमें से सभी है, ठीक है। बाढ़ भी, भूकंप भी, चक्रवात भी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, साक्षात्कार को निम्नलिखित में किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किस श्रेणी में? तो देखिए वार्तालाप में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, परामर्शदाता, ठीक है, एक प्रक्षित है, चिकित्सक का, ठीक है, अध्यापक का, अभिभावक का, मनोवैज्ञानिक का, तो किसका? मनोवैज्ञानिक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का ना डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे किससे बुद्धि की सार्वभौम क्षमता है? तो किससे? तो गार्डनर को, ठीक है, गार्डनर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मानसिक उम्र मापन क्या है? तो वास्तविक उम्र, आयु, बुद्धि निरीक्षण स्तर, ठीक है, कालानुक्रमित आयु। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? बुद्धि के निरपेक्ष स्तर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर रेवेन का प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षण है, तो सामूहिक परीक्षण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर व्यक्तित्व के अंतर्मुखता, बाह्यमुखता आयाम का प्रतिपादक किसने? तो कैटलेल ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है मनोविदलता के लक्षण है, तो देखिए धनात्मक लक्षण है, ऋणात्मक लक्षण भी, मनोविदलता भी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, औषधि निर्भरता है, तो मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक निर्भरता पर। देखिए आपका 30 में 30 क्वेश्चन करा दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो, आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे।